फ्रेंड्स नमस्कार, मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक स्लिंग बैग लेकर आई हूँ। और आज का स्लिंग बैग थोड़ा सा अलग स्टाइल में है। तो ये मेरे पास दो क्विल्टेड पीस बचे हुए थे जिसमें एक में ऐसे क्विल्टिंग है और एक में ऐसे क्विल्टिंग है और दोनों का साइज़ सेम है। साइज़ मैं बता देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो इसका साइज़ है 7 इंच बाई 8 इंच और इसका भी है 7 इंच बाई 8 इंच। तो ये 7 इंच बाई 8 इंच के हमको दो पीस चाहिए या फिर 7 बाई 16 इंच का पूरा वन पीस ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको जोड़ दूँगी इस तरह से, जो 7 इंच का एरिया है वहाँ से इसको मैं पैक कर दूँगी क्योंकि हमें वन पीस में चाहिए था। साइड से थोड़ा टेढ़ा है तो इसको हम यहाँ पे कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये हमको 7 बाई 16 इंच का पूरा एक पीस मिल गया। अब हमें करना क्या है, इसका यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। ये हमें सेंटर निकाल लेना है और दूसरे साइड भी सेंटर निकालना है और इस पर एक लाइन खींच लेनी है। लाइन खींच के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसको खींचने के बाद हमने यहाँ पर, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं फॉल ले लेती हूँ, तो वो फॉल मेरे पास बहुत सारे हैं अभी, अभी ख़त्म नहीं हुए। तो मैं इस फॉल को काटूंगी नहीं, ये पूरा फॉल ऐसे मैंने लंबा एक ले लिया है, एक कलर ये लिया है और एक कलर ये लिया है, एकदम कंट्रास्ट में ये तीनों कलर हैं हमारे पास। अब इसमें आज हम एक नए तरीके से डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको सिंपल सिकोड़ लेना है, ऐसे चुन्ना डाल के इसको पकड़ लेना है और इसको पकड़ लेना है इस तरह से, बराबर से रखते हुए इस तरह से बराबर से रखना है। ये जो सेंटर में निकाला है यहाँ पे, इसको इस तरह से बराबर रखते हुए पहले हम यहाँ पर मशीन से इसको पैक कर देंगे। अब देखिए ये पैक हो गया इस तरह से। अब यहाँ से इसको हम मशीन के नीचे यहाँ से दबाएंगे इस तरह से और इसको, ये जो हमारा राइट में है ये लेफ्ट में जाएगा, इसके ऊपर ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर हमें हल्का सा गैप रखते हुए इस तरह से सिलना है। तो मैं सिलते हुए बताऊंगी, इसको बीच में रखेंगे इस तरह से और ये थोड़ा फूला फूला लगेगा, इसको इस तरह से रखना है। उंगली से दोनों को थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से बीच में से हटा देना है और इस पर मशीन चलानी है, जहाँ पर क्रॉस आएगी वहाँ तक मशीन हमें आनी है। तो ध्यान रहे कि जो हमने नीचे लाइन खींची है उस पर हमारी मशीन चले। अब देखिए ये इधर आ गया, अब इसको हम इधर लाएंगे। रेड वाला ऊपर कर लिया, ग्रीन वाला नीचे कर लिया, फिर इसको भी यहाँ लाएंगे और यहाँ पर इस तरह से उंगली रखते हुए यहाँ पर इस तरह से साइड में इसको भी सिल देंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमें क्रॉस करते हुए मिल जाएगा। अब हम ग्रीन वाला ऊपर करेंगे, रेड वाला नीचे करेंगे और इस तरह से क्रॉस बनाते हुए इसको पूरा तैयार कर लेंगे। ये इसको हमने कुछ इस तरह से रेडी कर दिया। तो अपने आप में एक ये नई डिज़ाइन हो गई, ये खुलेगा भी नहीं और ये हमेशा इसी तरह से रहेगा। अब इसको रेडी करने के बाद ये हमारा
फॉल यहाँ पर बच गया है, अभी इसका काम है हमें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जिप लगाएंगे, तो जिप 7 इंच की ले लीजिए। जितना एक्स्ट्रा है यहाँ पे इसको कट करके निकाल देंगे, इसको उल्टा करके फिनिशिंग दे देंगे। जिप दूसरी तरफ भी लगा देंगे। जिप खोल करके फिनिशिंग दे देंगे। अब इसमें हम रनर डाल देंगे। ये ध्यान रखना है कि ये लाइन और ये लाइन हमारी दोनों तरफ की मिलनी चाहिए। इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, जितनी एक्स्ट्रा जिप है उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें फिर से मेजरमेंट करना है। अब रनर डालने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे, इस तरह से रखते हुए यहाँ पर फिर एक मेजरमेंट करेंगे। जिप की तरफ से हम 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ये हो गया 1/2 इंच। फिर यहाँ जो 1/2 इंच लिया यहाँ से, फिर यहाँ से 1/2 इंच इधर निशान लगा लेंगे, ये हो गया 1/2 इंच। अब इस 1/2 से यहाँ नीचे तक इसको हम मिला देंगे इस तरह से। ये हमने इसको यहाँ पर मिला दिया। अब इसको मिलाने के बाद इसको रख देते हैं निशान लगा के। अब इसको लेंगे, अब इन दोनों फॉल को हम 25 इंच का ले लेंगे, तो ये हो गया 12 2 24 और ये 25। ये हमने 25 इंच का दोनों ले लिया। इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे, इतना फॉल हमारा बच गया है, कहीं काम आ जाएगा। अब फिर से इन दोनों फॉल को हम बराबर से कट कर देंगे, ये इस तरह से हमने इसको 4 भाग में कर लिया। अब एक डार्क एक लाइट, इसको यहाँ पर हम सिल देंगे मजबूती के साथ, डबल कट सिलाई के साथ। ये हमारी 50 इंच की पूरी एक बेल्ट इसमें से रेडी होगी। अब क्या करना है, ये उल्टा है, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर जितनी चौड़ी डोरी चाहिए इतना छोड़ते हुए यहाँ पर हम मशीन चला देंगे। तो सेफ्टी पिन की मदद से सीधा कर लेंगे, तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इधर आ रहा है ये अंदर चला जाएगा और डोरी हमारी मोटी हो जाएगी। और ये देखिए कितनी आसानी से हमारी बेल्ट बन गई और थोड़ी मोटी और गफ हो गई और कलरफुल हो गई और मैचिंग भी हो गई जो हमने उसमें डिज़ाइन करी। अब इसको हम यहाँ कट कर देंगे। इस पीस को लेंगे, डोरी को अंदर से डालेंगे और इस 1/2 इंच के पास रखते हुए इसको यहाँ पर जिप के पास रखेंगे, डबल मशीन चलाते हुए इसको यहाँ पर इस तरह से सिल देंगे। जिप को थोड़ा सा खोलेंगे, बेल्ट को यहाँ से निकाल लेंगे और सिलाई भर कर रख के इसको यहाँ पर
जैसे इसको पैक किया है इसी तरह से पैक कर देंगे। और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ 5-6 सिलाइयाँ डाल दी हैं। अब इसको हम यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा है उसको शेप दे देंगे। और देखिए, देखते ही देखते ये हमारा थोड़े से नए शेप में और नए तरीके से बिना किसी लेस वगैरह के केवल फॉल से इस पर्स को मैंने इस तरह का लुक दे दिया है ये। अब इसमें आपका मोबाइल, पैसे, चश्मा, कार्ड आप ऐसे ही भी रख सकते हैं, डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने कुछ रेडी कर दिया और इसकी बेल्ट इसके साथ मैचिंग कर दी। तो सुपर सिंपल सा पर्स है ये, दोनों तरफ से इस्तेमाल हो जाएगा। और एक मैंने इसको ट्राई करने के लिए एक ये बनाया था, इसमें ये कलर कॉम्बिनेशन दिया। तो इस तरह से मैंने ये दो पर्स बनाए। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।